मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कमलनाथ की स्थिति तो ऐसी है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सोच रहे हैं कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। उनकी पार्टी के ही लोग उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं मान रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि जो लोग एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वो आज एक साथ होने का दिखावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग कभी राम का नाम लेने से परहेज करते थे, उनको काल्पनिक मानते थे, आज वो कथाएं करा रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं। अब वो ऐसा करने के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, यह उनकी चुनावी भक्ति है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ नेता होने का दावा पुख्ता करने के लिए कथाओं के आयोजन में लग गए हैं। कांग्रेस कंफ्यूज है और कई चीजों के लिए मजबूर है। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए मजबूर है। चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की। अब उनके अंदर ही अंतर्द्वंद मचा हुआ है। कमलनाथ जी सोच रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल है किधर जाऊं। और अब तो उनके एक नेता ही ने कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, तो उनके तो नेता होने पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। और वो मुझे लगता है कि नेता का दावा पुख्ता करने के लिए अब कथाओं के आयोजन में भी लग गए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपने आप पर विश्वास नहीं है। वो पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और उस समय उन्होंने बोलते हुए जिस तरह की हरकत की थी, अब उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। उसका गवाह पूरा देश था। जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा अविश्वास एक दूसरे पर ही है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन से हुआ था। कांग्रेस को पानी पीकर कोसते थे केजरीवाल, लेकिन अब साथ होने का दिखावा करते हैं। ऐसा ही हाल लालू और नीतीश का भी था, वो भी अब साथ होने का दिखावा करते हैं। चौहान ने कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के दाग जिन पर लगे हुए हैं और जिनको लग रहा है कि अब बचे कैसे, वो सब एक साथ आ रहे हैं। राहुल गांधी जी को अपने आप पे विश्वास नहीं है। वह विश्वास प्रस्ताव लाए थे और बोलते हुए जिस तरह की हरकत राहुल जी ने की थी, अब उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। उसका गवाह पूरा देश था। इस अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस भी जानती कोई दम नहीं है। देश का विश्वास श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में है और जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, उनका सबसे ज्यादा अविश्वास एक दूसरे पर ही है। अब आप पार्टी का तो जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन से हुआ था। अब वो गलबैया डाल रहे हैं, पानी पी पी के कोसते थे केजरीवाल, अन्ना आंदोलन चला, अब कांग्रेस उसी आपके साथ है। लालू जी नीतीश जी एक दूसरे को पानी पी पी के गाली देते थे, अब वो भी साथ साथ है। वामपंथी और कांग्रेसी केरल में भी लड़े और बंगाल में भी लड़े, लेकिन अब फिर साथ साथ हैं। ये साथ साथ क्यों? इसलिए कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के दाग जिनके ऊपर लगे हैं और जिनको लग रहा है कि बचे कैसे, वो सब एक साथ आ रहे हैं। जनता इन पर विश्वास नहीं करती। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।